सत श्री अकाल की हालचाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम स्वाद का सफर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्वाद के सफर में जर्नी यहां तक पहुंच गई है कि आज हम बना रहे हैं बिरयानी। अब बिरयानी हम दोनों तरह की बनाएंगे, वेज एंड चिकन बिरयानी। वैसे तो एक डिबेट चलती रहती है कंटिन्यूसली कि यार वेज बिरयानी बिरयानी होती भी है या वेज पुलाव होता है। तो आज हम बना रहे हैं वेज बिरयानी, मजेदार वाली दम लगा के। तो शुरू करते हैं। अब वेज और चिकन दोनों बिरयानी बनानी है तो हम बरिस्ता और चावल एक साथ बॉईल कर लेंगे। तो चावल बॉईल करने के लिए ना, सबसे पहले आप एक बड़ा पॉट ले लेंगे, उसमें ढेर सारा पानी ले लेंगे और फिर उसको सीजन करेंगे। सीजन करने के लिए ढेर सारा सॉल्ट, मतलब आपने बिल्कुल नमकीन पानी बना देना है, समुंदर जैसा। साथ ही थोड़ा ऑयल, अब बिरयानी वाले चावलों में ना थोड़ा नमक ज्यादा होता है, बिकॉज दम लगते हुए और घी डालेंगे हम ढेर सारा तो वो नमक थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए नमक ज्यादा डाला जाता है उबालते हुए। एंड सेकेंड रीजन इज कि बिरयानी वाले चावल ना ज्यादा पानी में बॉयल होते हैं, उस केस में ज्यादातर पानी ड्रेन हो जाएगा और ज्यादातर नमक पानी के साथ ड्रेन हो जाएगा, इसीलिए नमक ज्यादा डाला जाता है। अब साथ ही हम जीरा डाल देंगे। अब ये जो पतीला है इसको हम ढक देंगे ताकि एक रोरिंग बॉयल आ जाए। अब जब तक रोरिंग बॉयल आ रहा है तब तक हम मसाले डाल लेते हैं एक पोटली में। आप चाहें तो सीधा पानी में डाल सकते हैं, बट आई नो फ्यू पीपल जिनको ना मसालों की बाइट पसंद नहीं है, इसीलिए हम पोटली में डालेंगे मसाले ताकि उनका फ्लेवर आ जाए बट मसालों की बाइट ना आए। तो सबसे पहले काली मिर्च, उसके साथ ही बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, जावित्री, स्टार एनिस एंड दालचीनी। अब इन सब की एक पोटली बना लेंगे। अब ये पोटली इस बॉइलिंग वाटर में, और साथ ही थोड़ा सा धनिया। अब सिंस पानी को रोरिंग बॉयल आ रहा है तो हम चावल भी डाल देंगे। जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं ना तब तक हम प्याज स्लाइस कर लेंगे। तो प्याज स्लाइस करने के लिए एक ट्रिक है, प्याज को पहले हाफ कर लीजिए, उसके बाद ऐसे सेमी सर्कल में काट लीजिए।
चावल आपने ना प्रॉपरली बॉयल नहीं करने, उनमें हल्की सी लगभग एक कण की कसर छोड़नी है, मतलब आप अगर परसेंटेज में देखें तो 80-85% ही कुक करने हैं। तो जी ये चावल हो चुके हैं और चावल आपने ना बड़े बर्तन में निकाल लेने हैं। अगर आप छोटे बर्तन में रखेंगे तो इनके अंदर की हीट इनको पकाती रहेगी और ओवरकुक हो जाएंगे। बड़े बर्तन में डालेंगे जल्दी ठंडे हो जाएंगे, कुकिंग रुक जाएगी और बढ़िया हो जाएगा। अब हमने प्याज काट रखे हैं, इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम सी आंच पे। तो एक बारी रिकॉल कर लेते हैं, हमारे चावल उबल चुके हैं एंड प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। अब करेंगे सब्जियां मैरिनेट। तो सब्जियां मैरिनेट करने के लिए मैंने सारी सब्जियां काट रखी हैं। दिस इज पोटैटो, इसको डाइस कर लिया था, बड़ा बड़ा डाइस कर लिया था और पानी में भिगो के रखा था ताकि ऑक्सीडाइजेशन से काले ना हो जाए। ये एक बाउल में डाल लेंगे। सब्जियों को बड़ा बड़ा काटें वो ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप सब्जियों को छोटा काटेंगे तो दम लगते के टाइम वो भुरभुराने लग जाएंगी, इसीलिए बड़े बड़े पीसेस में। जैसे गोभी मैंने बड़े बड़े फ्लोरेट्स में काट रखी है। साथ ही कैरेट, सिंस ये ऑरेंज वाली कैरेट है ये थोड़ी हार्ड होती है इसीलिए छोटे पीसेस चल सकते हैं। साथ ही बीन्स, और ये थोड़े सोया चंक्स हैं, इनको मैंने पार बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह पकाया नहीं है। अब इसमें मसाले, सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च, साथ ही धनिया, बिरयानी मसाला, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया, थोड़ा फ्राइड अनियन, सॉल्ट, दही, साथ ही थोड़ा देसी घी, देसी घी बहुत जरूरी है।
साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब दैट्स इट, इतनी ही चीजें जाएंगी मैरिनेशन में। तो ये सब्जियां मैरिनेट हो चुकी थी, अब ये ना हमारी ग्रेवी का पार्ट बनेगी बेसिकली, और इसको पकाना है। अब इसको पकाने के लिए ये जाएंगी कढ़ाई में, और कढ़ाई के नीचे ना फ्लेम नहीं है ऑन, मतलब कढ़ाई ठंडी है, तो ठंडी कढ़ाई में डाल देंगे ये। अब ये डालने के बाद फ्लेम ऑन करें और अब इसको चलाते रहें। स्टार्टिंग में आपकी सब्जियां टूटेंगी नहीं, तो आप चला सकते हैं। इसको ज्यादा नहीं चलाना, बस ये है कि धीरे धीरे चलाते रहें और धीरे धीरे पकाते रहें। अब इन सब्जियों को पकाना है लगभग 80-90% के करीब, जो बाकी की 10-15% की कसर होगी वो दम में लगेगी। यूजुअली जब रेस्टोरेंट्स में वेज बिरयानी बनती है, उसमें क्या करा जाता है कि सब्जियों को अलग से पारबॉयल कर लिया जाता है, फिर ऐसे मैरिनेशन बना के, थिक सी मैरिनेशन बना के उसको लेयर कर दिया जाता है चावल के साथ, और फिर दम लगवा दिया जाता है। बट हमने वो केस नहीं करा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि यार सारी सब्जियाँ अलग अलग पारबॉयल करनी पड़ती है, तो टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। मैं सोचा आपको मेहनत वाला क्यों काम करना है ना जी, आसान काम करेंगे। तो भाई इसीलिए मैंने इसमें ना जो मैरिनेशन बनाई है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रखा है। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो आप ऐसे चला सकते हैं, और चला सकते हैं तो आपका ना दही जल्दी फटेगा नहीं। अगर आप मॉइस्चर कम रखेंगे तो आप चला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप चलाएंगे तो सब्जियां टूटेंगी, और अगर आप नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगी। तो एक ना एक केस तो हो ही जाएगा अगर आप मॉइस्चर कम रखेंगे, तो इसीलिए दही का मॉइस्चर ज्यादा रखिए ताकि आप चला सकें और सब्जियां टूटे ना। तो ये सब्जियां हमारी लगभग 80% के करीब कुक हो चुकी हैं। अब करेंगे लेयरिंग। तो लेयरिंग के लिए सबसे पहले सब्जियों के ऊपर चावल, चावल के ऊपर ब्राउन अनियन, अब ब्राउन अनियन के बाद पुदीना, थोड़ा सा धनिया, स्लिट हरी मिर्च, अब ये मैंने केसर वाला पानी बना रखा है, उसके अंदर गुलाब जल, साथ ही केवड़ा, अब ये भी डाल देंगे। अब
अभी केसर वाले पानी से ना एक मार्बल इफेक्ट आ जाएगा चावल के अंदर। थोड़ा सा एक गूंधा हुआ आटा लेंगे और इससे हम ढक्कन को सील कर देंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे दम लगवाना है। वेज बिरयानी को दम लग चुका है, अब इसकी करते हैं प्लेटिंग और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, मजेदार खुशबू, वो जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, अमेजिंग। और उसके बाद जो रंगत है और खिले खिले चावल। रेसिपी आपके पास है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ सरप्राइज योर फैमिली विद दिस रेसिपी ऑफ वेज दम बिरयानी। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और जल्दी जल्दी सरप्राइज करो अपनी फैमिली को एंड आई एम 100% श्योर दे वुड बी लाइक। वाह क्या स्वाद है। स्वादिष्ट वेज बिरयानी बनाने लई असी बॉल विच लवांगे पानी, फिर उस च असी पावांगे नमक, तेल, जीरा, काली मिर्च, वड्डी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, जवित्री, स्टार एनिस, दालचीनी, हरा तनिया अते चावल। फिर इस नूं उबलन वास्ते रख देवांगे। उस तों बाद असी लवांगे प्याज, आलू, गोभी, गाजर, फलियां, सोयाबीन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पुदीना, धनिया, तले हुए प्याज, दही, देसी घी, अदरक लसन का पेस्ट, उबले चावल, गुलाब जल अते अखीर विच केवड़ा। इस नूं मिक्स करन तो बाद असी इस विच उबले हुए तैयार चावल पाके तले प्याज, पुदीना, धनिया अते अखीर विच केवड़ा पाके चंगी तरह गार्निश कर लवांगे। ते 15-20 मिनट दम आउन तो बाद लो जी, थोड़ी स्वादिष्ट बिरयानी तां बनके तैयार है।